हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जी चैनल लास्ट मीडि रिवीजन विद आ रे सेम एंड हयर एम बैक विद अनदर वीडियो सो टुडेज वीडियो इज अबाउट दी पार्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग टी वाई बी कॉम सेमिस्टर फाइव फॉर एटी के टी स्टूडेंट्स तो एटी के टी स्टूडेंट्स के काफ़ी मुझे कमेंट्स मिल रहे थे सर सेम फाई का भी डालिए सेम फाई का पहले एग्जाम है एग्जाम सेम फाइव का पहले होने वाला है आप सेम सिक्स का ही अपलोड कर रहे हैं हमारे लिए भी अपलोड करें तो मैंने आपके लिए भी सीरीज शुरू की है तो सेम फाइव के जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको एटी के टी ये मॉक टेस्ट से आपको बहुत सारे प्रैक्टिस हो, होने वाली है और इससे काफी सारे एमसीक्यूज सेम टू सेम तो नहीं लेकिन काफी सारे एमसीक्यूज आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बनेंगे ताकि आपका पूरा का पूरा जो एमसीक्यूज है उसका प्रैक्टिस भी हो सके कंसेप्ट भी क्लियर हो सके तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन पार्ट वन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्वेश्चन नंबर वन ये रहा आपके सामने बिल्स रिसीवेबल इज शोन अंडर विच हेड इन बैलेंस शीट तो बिल्स रिसीवेबल कौन से हेड के अंदर शो किया जाता है करंट असेट्स ट्रेड रिसीवेबल्स है, और उसके साथ एक दूसरा पॉइंट होता है डेटर्स ये दोनों के दोनों हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स के हेडिंग में शो किए जाते हैं क्वेश्चन नंबर टू में जाएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इलेवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 याद रखना इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग के लिए है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 तो जो आपको ध्यान रखना है यहां से एमसीक्यू बन सकता है क्वेश्चन नंबर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन इज डन एज पर सेक्शन तो यहाँ पे सेक्शन पूछा है सेक्शन थ्री सेक्शन सिक्सटी सेक्शन थ्री सेक्शन सेवेंटी तो रिमेंबर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जो होता है जिसमें हम हमारे बैलेंस शीट को रीड्राफ्ट करते हैं बैलेंस शीट को बैलेंस uh, शीट के पॉइंट्स को चेंज करके शेयर कैपिटल को रिड्यूस करके फिफ्टी असेट्स को रिटर्न ऑफ करके हम उसको क्या करते हैं रीड्राफ्ट करते हैं तो इसके लिए कौन सा सेक्शन होता है दैट इज सेक्शन 66, सिक्स विच यू हैव टू रिमेंबर ओके क्वेश्चन नंबर फोर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट आई सी ए आई आईसी आई या आई ठीक है तो आपको याद रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया तो राइट आंसर इज आई ठीक है आई एफ आर एस इंटरनेशन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स वो भी ध्यान रखना इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स ठीक है तो आई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाई आई आई द प्रीमियम रिसीव्ड ऑन सेल ऑफ राइट्स इज क्रेडिटेड टू तो प्रीमियम जो रिसीव होगा जब आप सेल करेंगे आपके राइट्स को ये इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है जब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में हम हमारे राइट्स को सेल करते हैं उससे जो प्रीमियम रिसीव होगा वो कहां ट्रांसफर होगा दैट विल बी क्रेडिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व या नाउ तो राइट आंसर फॉर दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट किया जाता है पब्लिक डिपॉजिट इज ट्रीटेड एज

टेन परसेंट ऑफ इट्स ओन फंडसेंट ऑफ राइट आंसर है इसका कोई भी 25 of its own funds से ज्यादा बाई बैक नहीं कर सकता तो ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ इट्स ओन फंड एथिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड तो एथिक्स जो वर्ड है वो कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड जर्मन वर्ड या जैपनीस वर्ड तो देखो इसका तो बेसिकली आपको आंसर अगर पता नहीं होगा तो जैपनीस वर्ड ऐसे कोई वर्ड से कोई चीज डिराइव नहीं हुई है जर्मन वर्ड से नहीं हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी है आइदर लैटिन वर्ड हो सकता है या ग्रीक वर्ड हो सकता है ध्यान रखना तो एथिक्स जो है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंट दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन जो हम एरियर्स पेमेंट करते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड को जिसका एंट्री होता है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट तो वो एक इंटरनल लाइबिलिटी है कहाँ पे शो किया जाएगा सिक्योर्ड लाइबिलिटी है कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी है या शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी है रिमेंबर इट इज ट्रीटेड एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बिकॉज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी क्या हो भी सकती है नहीं भी हो सकती तो दैट इज कॉल्ड एज कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी एट नंबर का क्वेश्चन देखते हैं द फाइनल अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आर टू बी प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ तो फाइनल अकाउंट्स जो है वो किस बेस पे कौन से शेड्यूल के बेसिस पे बना जाता है बैलेंस शीट जो कौन से शेड्यूल के बेसिस पे प्रिपेयर किया जाएगा शेड्यूल थ्री शेड्यूल फोर शेड्यूल सिक्स या नन ऑफ द अबाउ तो रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट जो वर्टिकल बैलेंस शीट हम प्रिपेयर करते हैं एस पर कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन शेड्यूल थ्री के बेसिस पे बनाई जाती है क्वेश्चन नंबर नाइन द करंट इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर हाइयर वो आई होप कि आपको इसका आंसर ऑलरेडी पता है इसका आंसर है लोअर तो कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर वी आर गोइंग टू कंसिडर्ड और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं लूज टूल्स आर शोन अंडर विच हेड इन बैलेंस शीट तो लूज टूल्स कहाँ पे शो किया जाता है फिक्स असेट्स करंट असेट्स अदर करंट अट्स या लॉन्ग टर्म तो राइट आंसर फॉर दिस इज करंट असेट्स में शो किया जाता है थैंक यू वेरी मच फ्रॉम दिस सेशन तो अगर आपको ये सेशंस या ये रिविजनरी सेशंस अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि जिनको भी सेम फाइव में के है उनको भी इसका बेनिफिट मिल पाए और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम पे चैनल है जो तो ज्वाइन नहीं किया है लास्ट मिनट रिविजन विद आर तो उसको ज्वाइन कर ले बिकॉज ये सारे पी में वहीं पे शेयर करने वाला हूँ टिल देन एज ऑलवेज वर्क हार्डर बी स्मार्टर